अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। बिस्तर पर लेटने के बाद सो ना सकना बहुत मायूसकुन सिचुएशन होती है। हम में से अक्सर लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सो ना सकने या देर से सोने की वजूहात और उनका हल, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप आसानी से चंद मिनटों में सो पाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर से और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। रीजन नंबर वन, डिप्रेशन। परेशानी नींद को कम करने की एक बहुत अहम वजह है। एक रिसर्च के मुताबिक बाज़ लोग परेशानी में ज़्यादा सोते हैं लेकिन उनकी नींद सुकूनदेह नहीं होती। ऐसे लोग थके भी रहते हैं। अगर आप रात सोने से पहले डायरी लिखने की रूटीन बना लेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। डायरी लिखना आपके लिए कैथारसिस का काम करता है। इसके अलावा फैमिली या फ्रेंड से बात करके डिस्कस करें, और अपनी इंटरेस्ट की कोई बुक भी पढ़ी जा सकती है। रीज़न नंबर टू, पेन। पेन की बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं जिनमें ख़ास तौर पर आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द और पट्ठों का दर्द वगैरह शामिल हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक नींद की कमी जोड़ों के दर्द को ज़्यादा कर देती है और दर्द के बढ़ने से आप लेट तक सो नहीं पाते। अगर आप सोने से पहले नीम गर्म पानी से बाथ लें तो इससे आपके जोड़ों और पट्ठों को आराम मिलेगा और आप देखेंगे कि इससे आपको जल्दी सोने में बहुत मदद मिलेगी। रीजन नंबर तीन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। एक रिसर्च के मुताबिक ये प्रॉब्लम मेल्स की निस्बत फीमेल्स में 50% ज़्यादा होता है। इसमें रात के वक्त टांगों में रींगने जैसी फीलिंग्स होती है। ये अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक इस डिज़ीज़ से दिल की बीमारियों के खतरात और डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसका एक हल तो ये है कि आप रूटीन से एक्सरसाइज करें, सोने से पहले गर्म पानी से बाथ लें, और इसमें लेग्स का मसाज भी काफ़ी मौसर होता है। रीज़न नंबर फोर, बैड स्लीप हैबिट्स। अक्सर औकात देर से नींद आने की वजह हमारा लेट तक जागते रहना भी होता है, और ख़ास तौर पर बेड पर लेटकर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना। इसका हल ये है कि आप सोने और जागने की रूटीन को फिक्स करें, यानी डेली एक ही टाइम पर सोएं और जागें। सेल फोन को बेडरूम में सोने के वक्त पर इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ वो टिप जो जल्दी सोने के लिए बहुत कारामद है। सोने से आधा घंटा पहले आपने पीना है जी एक ग्लास नीम गर्म दूध एक टीस्पून शुगर के साथ। वो लोग जो डायबिटिक हैं वो शुगर का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।